दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है। उसने शीर्ष अदालत में साफ कहा है कि ईडी राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से भी कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा है कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई है। किसी को इस तरह से आप जेल में नहीं रख सकते। वहीं कोर्ट के इन सवालों के बीच ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का जो बयान दिया है उससे आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। इधर ईडी के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कल यानी मंगलवार को इस बात का जवाब देने को कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 17 अक्टूबर को भी सुनवाई जारी रहेगी। ईडी ने सिसोदिया की कस्टडी पर दिया ये तर्क। ईडी की तरफ से एएस राजू ने सुप्रीम कोर्ट को मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बीच करीबी का हवाला भी दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने आरोप लगाया है कि नई आबकारी नीति में प्रस्तावित बदलाव शराब बाजार में सुधार का एक साधन नहीं था बल्कि कुछ निजी कंपनियों के लिए अत्यधिक मुनाफा सुनिश्चित करने का एक तरीका था। ईडी ने कहा है कि लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% करने का भी कोई औचित्य नहीं है। कैबिनेट की बैठक के मिनट ऑफ मीटिंग्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। 12% मार्जिन के कारण खुदरा विक्रेता की लागत 12% बढ़ गई, जो उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली राशि में बदल गई। साथ ही ईडी ने कहा है कि पॉलिसी अवधि के लिए इंडोस्पिरिट का 12% लाभ मार्जिन 192 करोड़ रुपए था और पूरी कोशिश की गई कि इंडोस्पिरिट को ही ये मिले। जिसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि क्या 12% और 5% के बीच अंतर को आपकी ओर से अपराध की आय के रूप में दर्शाया गया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया के पास कई विभागों का जिम्मा था जिसमें आबकारी विभाग भी शामिल था। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था और तब से वो हिरासत में है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताती रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर राघव चड्ढा और आतिशी जैसे नेता भी इस मामले में सभी आरोपों को झूठा बताते आए हैं। हालांकि सिसोदिया समेत आपके दो बड़े नेता इस मामले में घिरे हुए हैं। इस बीच अब ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने वाली है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर ईडी इस मामले में आपको आरोपी बनाती है तो जांच की आज आपके तमाम बड़े नेताओं समेत दिल्ली के मुखिया तक भी पहुंचेगी। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।